और वो फिल्म जिससे अमिताभ बच्चन अपनी छवि उन्होंने पाई, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यंग एंग्री मैन की छवि, जंजीर फिल्म 1973 में आई थी। और उसी फिल्म का एक बहुत ही मकबूल, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जिसमें इसके पहले तक बहुत एक स्ट्रगल का दौर रहा अमिताभ बच्चन साहब के लिए, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से, चाहे वो उसके डायलॉग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले म्यूजिक है उसकी, उसकी जो फिल्म मेकिंग टोटल में टोटलिटी में इतनी खूबसूरत ढंग से निकल कर आएगी, अमिताभ बच्चन एक नए दौर में अपने करियर की शुरुआत की उन्होंने, और आज शहनशाह हैं वो, बादशाह हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के। तो उसी फिल्म से एक गीत है, एक तो गाना है दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, और ये गीत जो है रफ़ी साहब और लता जी ने फिल्म में अपनी आवाज़ से इसको अमर बनाया है। आज रफ़ी साहब की जयंती है, ऐसे महान फनकार और महान इंसान को हम नमन भी करते हैं और सदैव उन्हें अपने अपने दिल में और उनके गीतों को भी अपने दिल में बसा कर रखते हैं। ऐसे रफ़ी साहब के हज़ारों गीतों को हम गाते गुनगुनाते हैं और हमेशा उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ी खुशी भी मिलती है, और हमारे खुशी और उदासी के लम्हों में हमारे साथ साथ वो गीत रहते हैं। तो ऐसे एक गीत इस फिल्म का दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, आपके सामने तान्या और भरत लाल जी, इन दो बुलाते हैं। भरत लाल जी प्राइवेट जॉब करती हैं, तान्या पढ़ती हैं, जमुना नगर से इनका ताल्लुक है, और बीए की पढ़ाई में, पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का शौक भी है, पैशन भी है और सीखती भी है। तो इस तरह से आपकी ब्लेसिंग्स प्रणव एंटरटेनर्स को ये फक्र है इस बात का कि ऐसे बहुत सारे युवा कलाकारों को हम मंच पर लाते हैं, जिन्हें आप सराहते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, अपनी गुड विशेस देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, आशीष देते हैं, और धीरे धीरे वो आगे चल कर अपना करियर इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि हमसे भी वो फक्र होता है। तो सलीम जावेद साहब की जो कलम से निकली हुई है खूबसूरत और बहुत ही सशक्त स्क्रीन प्ले वाली फिल्म अमिताभ बच्चन और जया जी के अभिनय से सजी हुई भरत लाल और तान्या जी आपके लिए पेश कर रहे हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
दरअसल आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से साबित करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में आपको बुलाने के लिए किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, आप खुद इसकी सेलिब्रिटी हैं और ये फनकार इनमें इतनी ताकत है या इतना अट्रैक्शन है कि आप आते हैं, इन्हें सुनते हैं और इन्हें सराहते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे सुरीले जो आपसे बैठे हुए हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है और सारे बड़े उत्साहित हैं इस बात को लेकर सारे कलाकार। आइए म्यूजिक सेक्शन के लिए जरूर बजाइए, जितनी बार भी तालियां बजा सके। इस पर श्री जी का भी कमाल बड़ा खास था और इन सब के लिए जो विनोद लवली जी इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी पूरी टीम जो है ये निश्चित रूप से कन्याड़ जी, आनंद जी, शंकर जय, किशन, रोशन लाल जी, एस जी बर्मन, ओ पी नैयर साहब, कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के संगीत को कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने भिगोया है, हमेशा करते हैं, तो इसलिए इनका कमाल तो बिल्कुल ऐसा है जिसको हम हमेशा जितनी बार भी सराहें वो कम है।